तुला राशि वालों, आज ये बृहस्पतिवार का दिन 24 अगस्त है। आज चंद्रमा आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहा है। विशाखा नक्षत्र का बृहस्पति आज आपकी कुंडली के सप्तम भाव में राहु के साथ गोचर कर रहा है और अनुराधा नक्षत्र का शनि आपकी कुंडली के पंचम भाव में इंद्र योग है। बृहस्पति शनि का प्रभाव आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित कर रहा है। वहीं चंद्रमा मंगल की दृष्टि से आपकी जीवन में एक अद्भुत क्षमता आपको प्राप्त होने वाला है। जीवन में तरक्की, कामयाबी, सफलता, सुख और खुशी सब कुछ शनि बृहस्पति से आपको प्राप्त होगा। शुक्र जो आपके लग्न का स्वामी है, इस समय आपकी कुंडली के कर्म स्थान में गोचर कर रहा है और लाभ स्थान में सूर्य बुध के साथ बैठा है और द्वादश में मंगल का गोचर हो रहा है। अगर आपकी कुंडली को देखें तो आपकी कुंडली में आपके लग्न का स्वामी, आपके धन भाव का स्वामी, कर्म स्थान और भाग्य स्थान सब कुछ आज सर्वासिद्धि योग में प्रभावित हो रहा है, जिसके प्रभाव से आपकी जीवन में कुछ बड़ी घटना अवश्य घटित होगी। आपकी जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि अवश्य आपको प्राप्त हो सकती है और जीवन की मुश्किलें आसान हो सकता है। सब कुछ शनि और बृहस्पति से संभव है, क्योंकि आज इंद्र योग भी है, सर्वासिद्धि योग भी है। आज सुबह 9:04 के बाद का समय आपके लिए बड़ा शुभ होगा, बड़ा सौभाग्यशाली होगा। तो तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं विस्तार से आज का तुला राशि फल। जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमन्ते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाएं, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। बृहस्पतिवार का दिन 24 अगस्त है, आज सर्वासिद्धि योग भी है। सावन माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। भाग्य सौभाग्य आपका अच्छा है और आपकी जीवन में तरक्की समृद्धि का योग बन रहा है, क्योंकि आज विशाखा नक्षत्र जिसका स्वामी बृहस्पति है, 9:04 तक आपको प्रभावित करेगा। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र में जिसका स्वामी शनि है, अपने प्रभाव से आपको प्रभावित करने लगेगा। 9:04 के बाद सर्वासिद्धि योग आरंभ होगा। जब अनुराधा नक्षत्र में सर्वासिद्धि योग आरंभ होगा तो शनि आपके जीवन में शुभ फल प्रदान करेंगे। शुभ शनि अचानक धन का लाभ देते हैं, ऐसा संकेत आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनि के ऊपर बुध की दृष्टि है। शनि बुध मित्र ग्रह हैं। जब कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में होता है तो जीवन में कभी भी मुश्किलें नहीं आती, यानी आपके जीवन में जो बाधा और परेशानी आपके लिए रुकावट बनती है, शुभ शनि होने से वो बाधा, वो रुकावटें खत्म हो जाता है, क्योंकि शनि के मित्र बुध की दृष्टि है और शुक्र भी उदय हो चुके हैं। न्याय के देवता शनि देव हैं। आपके जीवन में न्याय और कर्मों के फल प्रदान करते हैं। जब शनि शुभ हो जाता है तो सुख संपत्ति वैभव की प्राप्ति आपके जीवन में होती है। शनि देव की कृपा से हर कार्य में सफलता मिलता है। यश, धन, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति आप करते हैं। आज आपकी कुंडली में बृहस्पति और शनि का प्रभाव है।
केतु की छाया है, चंद्रमा और मंगल की दृष्टि है। विशाखा नक्षत्र का बृहस्पति तो समृद्धि सफलता भाग्य की बुलंदी पर पहुंचाता है, उमंग उत्साह को बढ़ाता है, सुख संपत्ति का भोग आप करते हैं और आपकी लोकप्रियता को बढ़ाता है। लेकिन जब सर्वार्थ सिद्धि योग में अनुराधा नक्षत्र का शनि शुभ हो तो कहते हैं कुंडली में शनि की शुभ स्थिति रंग को भी राजा बना देती है, यानी कब आपकी किस्मत पलटने लगेगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। जब शनि देव मेहरबान हो जाते हैं तो धन की कमी नहीं होती, तरक्की उन्नति। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, तो अपनी पूरी शक्ति को अपने कार्य में लगा दें। जब आप ऐसा करेंगे तब आपकी जीवन में तरक्की, सुख, सौभाग्य और जीवन की समस्याएं अपने आप दूर होने लगेगी। भाग्यशाली आप हैं, सौभाग्यशाली आप हैं, मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है और शनि दोष की वजह से जो आपके जीवन में परेशानी रहती है वो दोष भी सर्वार्थ सिद्धि योग में खत्म हो जाता है, यानी आपके जीवन में शनि का प्रभाव शुभ पड़ता है, जिससे बड़ी सफलता, खुशखबरी, कामयाबी, तरक्की और आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बड़े भाग्यशाली आप हैं, इस समय शनि की स्थिति आपकी कुंडली में शुभ है, जिसके कारण कर्मों के अनुरूप आपको फल की प्राप्ति हो रही है। ऐसे योग में जीवन बड़ा सुकून देने लगता है, आपके जीवन में बहुत सारे काम आपके पूरे होने लगते हैं और नई संभावना आपके जीवन में जन्म लेने लगती है, क्योंकि जब अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य से आप सफलता पाते हैं तब आपके जीवन में सुख बढ़ता है, आनंद बढ़ता है, परिवार में खुशियां बढ़ती है और जीवन बड़ा सुंदर हो जाता है, यानी जीवन के भरपूर आनंद आप पाते हैं। ये समय आपके लिए आपके सोए हुए भाग्य को जगाएगा। ये जो समय है आगे बढ़ने का शानदार अवसर आपके जीवन में आपको देगा। शनि से स्वाभिमान भी बढ़ता है, लाभ की स्थिति की प्राप्ति भी होती है। आज का दिन आपके लिए लाभकारी, सौभाग्यशाली इसलिए भी है कि चंद्रमा मंगल की दृष्टि है। चंद्रमा और मंगल दो ऐसे ग्रह हैं जो धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा, सुख सौभाग्य आपके जीवन में आपको प्रदान करते हैं, यानी आज का दिन आपके लिए खास तौर पर बहुत ही लाभकारी साबित होगा। बड़ी सफलता, कामयाबी की खुशखबरी, गृहस्थ जीवन का सुख है और कार्य की सिद्धि से धन कमाने का भी अवसर मिलेगा, सौभाग्य का सुख भी प्राप्त होगा, ढेर सारी खुशियां आप एक साथ पा लेते हैं। आज अनुराधा नक्षत्र का शनि जीवन के संघर्ष को दूर करता है और हनुमान जी के आशीर्वाद करने लेने के बाद जो भी काम करते हैं उस काम से बाधा आपकी खत्म हो जाती है। तो आज जो भी काम करें हनुमान जी के दर्शन करने के बाद ही करें, जिससे आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति हो सके और आपके जीवन में तरक्की, उन्नति का सुख प्राप्त हो सके। तो हनुमान जी का दर्शन करें, जीवन बड़ा सुखी होगा, आप बड़े सौभाग्यशाली होंगे, क्योंकि बृहस्पति शनि की दृष्टि और बृहस्पति शनि का प्रभाव और बृहस्पति शनि का गोचर आपकी शक्ति, समृद्धि, आपके उत्साह, आपकी जीवन की खुशी और धन को प्रभावित करता है। तो अपने जीवन में बड़ी सफलता, कामयाबी पाने के लिए बढ़िया काम करें, आपके लिए लाभ और सुख की प्राप्ति होगी।
आज का दिन चार चरण में व्यतीत होगा। प्रथम चरण का स्वामी शुक्र है, द्वितीय चरण का स्वामी बुध है, तृतीय चरण का स्वामी सूर्य है, चतुर्थ चरण का स्वामी मंगल है। तो आज का दिन आपके लिए शुभ है। राहु काल 2:03, राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करे। सर्वा सिद्धि योग 9:04 और अमृत का रात्रि 10:46 आपके लिए शुभ है। दक्षिण दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 6 होगा। तो आज का दिन आपके लिए शुभ है। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान।